नीतीश कुमार की पार्टी के एक्शन, महागठबंधन में हो रहे उतार चढ़ाव और 23 तारीख की मीटिंग से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के बिहार कैडर के सभी नेताओं को और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली में गिरिराज सिंह के आवास पर एक बैठक हुई। बैठक की चर्चा सभी कर रहे हैं। इस बैठक में हुआ क्या और क्या टारगेट सेट हुआ है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन जैसे ही दिल्ली से पटना लौटे सम्राट चौधरी और वही उस मीटिंग के कहा जा रहा है कि अध्यक्षता भी किए थे, तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आई। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि बिहार को लेकर के जो फैसले हुए हैं और जिस तरह के निर्देश मिले हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महागठबंधन के भीतर हो रही एक एक एक्टिविटी पर नज़र बनाए हुए है। इसी एक्टिविटी में इस बीच में जीतन राम मांझी के बाहर निकलने का भी जोड़ घटाव किया जा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जीतन राम मांझी के साथ सारी बात भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से फाइनल हो गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस नई बदली हुई परिस्थिति में कौन कौन लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा होंगे ये भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन इस बीच में जब सम्राट चौधरी पटना पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहला अटैक जो है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर किया। ये साफ बता रहा था कि अब टारगेट बदल गया है और पूरी तरह से दिल्ली में टारगेट सेट करके पटना लौटे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के साथ जो जो इस मीटिंग में शामिल थे उन सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी दी गई है। इसी जिम्मेवारी के तहत आपको पता है कि दो शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम भी सेट कर दिए हैं गए हैं। जहाँ 24 तारीख को जेपी नड्डा आ रहे हैं तो वहीं 29 तारीख को खुद अमित शाह का दौरा है, और अमित शाह का दौरा कहाँ है ये सबको जानते हैं। ऐसी स्थिति में अब जो बातें सामने आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर कांग्रेस हुआ करती थी, क्योंकि मुख्य लड़ाई उसकी कांग्रेस से थी और केंद्रीय नेतृत्व और फिर से सत्ता में आने के लिए कांग्रेस को धकेलना, पीछे रखना जरूरी था। लेकिन अब बिल्कुल सारे सब चीज़ बदल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर कांग्रेस नहीं बल्कि नीतीश और तेजस्वी हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर पहला हमला करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो प्लानिंग बन रही है, 23 तारीख की मीटिंग है और उस मीटिंग में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, और जिन्हें प्रभावित किया है लालू प्रसाद ने, लालू प्रसाद के विशेष आग्रह पे ये सभी लोग आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार इन अधिकांश लोगों से मुलाकात किए हैं और मुलाकात के बाद बिहार में आने और एक गठबंधन बनाने की भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोशिश में लगे हुए हैं। उसका प्रतिफल ये है कि अभी तक बैठक सभी की नहीं हो सकी है, किसी के पास समय नहीं था तो किसी के पास कोई कारण थे। 12 तारीख की मीटिंग कैंसिल होकर के 23 तारीख को हुई और 23 तारीख को मीटिंग में कौन कौन आ रहे हैं अभी ये पक्का नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये पक्का कर लिया है कि 23 के मीटिंग में चाहे जो भी फैसला हो लेकिन टारगेट पर नीतीश और तेजस्वी ही होंगे। जहां एक तरफ नीतीश कुमार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए टारगेट पर तेजस्वी यादव को रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 ही नहीं 2025 का भी प्लानिंग बना लिया है। इस बीच में कई ऐसी बातें सामने आई होंगी जिसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि हालांकि ये खबर हम तक भी आई थी और राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है दिल्ली में उस चर्चा के हिसाब से ये था कि कहीं ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव 2023 में भी कई राज्यों में होने वाले चुनाव के साथ करा ले। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार भी चिंतित हैं और इन सब बातों की कोई चर्चा दिल्ली में नहीं हुई है, जैसा कि सम्राट चौधरी ने बताया। सम्राट चौधरी ने बताया कि चुनाव अपने नियत समय पर होंगे और पहले होने के कोई कारण नज़र नहीं आते हैं। वहीं एक बात पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट बदल लिया है और अब 23 तारीख और 23 तारीख से पहले से ये शुरू हो जाएगा कि कांग्रेस को छोड़ नीतीश और तेजस्वी टारगेट पर रहेंगे, निशाने पर रहेंगे, और मेन लड़ाई अब इन्हीं से लड़नी है और इनसे फरियाना है। देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई जो बिहार से उठ रही है 24 और 25 दोनों के लिए वो कहाँ तक जाती है और कौन कितना सफल होता है। दोनों ही खेमे अपनी अपनी ताकत को संचित कर रहे हैं और
बेहतर प्रदर्शन के प्रयास में लगे हुए हैं। 23 तारीख और 24 तारीख की जो रैली होगी उसमें साफ नज़र आने लगेगा कि आगे ऊँट किस करवट बैठेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।